हेलो फ्रेंड्स, आज ये सलवार सूट से बचे हुए कपड़े से मैं एक बैग लाया। इसमें दो साइड में पॉकेट है, एक बीच में मेन पॉकेट है और एक अंदर पॉकेट बनाई हुई है। ये हमने कोई भी बचे हुए दो तरह के कपड़े से आप बना सकते हैं या चाहे तो एक ही कपड़े से। ये देखिए, अंदर भी हमारी एक चेन है। बनाना इसे बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने सबसे पहले जो सामान लिया है यानी रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए। दो मेन कपड़े हैं जो कि हमारे 10x14 इंच के हैं। ये दो पीस 10x14 के दो पीस और दो हमारी रबर शीट या फोम शीट आप इसी तरह की ले सकते हैं। हमने यहाँ रबर शीट ली है। अगर फोम शीट यूज़ कर रहे हो तो क्विल्टिंग कर लीजिएगा। इसके अलावा 9x14 इंच का ये दो पीस है और दो रबर शीट हमारी हमने यूज़ की है। इसके बाद हमारा अस्तर का कपड़ा है जो कि 27x19 इंच का, एक बड़ा मेन अंदर के अस्तर के लिए 27x19 इंच का। इसमें हमने एक स्क्वायर बना रखा है जो हम जेब बनाने के लिए बनाया हुआ है। इसके बाद तीन और अस्तर के कपड़े हमने यूज़ किए हैं यहाँ। एक जो है वो है ये 6x8 का छोटा पीस है हमारा। इसके अलावा ये दो बड़े पीस है जो कि हमारे 12x9 इंच के हैं। तो ये दो पीस हो गए। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो मेन हमारा 19x2.5 इंच के दो पीस हैं और दो हमने इसमें अस्तर लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ 26x2.5 के दो हैंडल बनाने के लिए कपड़े यूज़ किए हैं। चार हमने यहाँ पे चेन यूज़ की है। ये हमारी 5.5 इंच की है, ये 9 इंच की दो चेनें हैं और बीच वाली जो चेन है ये 16 इंच की है हमारी। तो इस तरह से ये हमारी हो गई 5.5, 9 और 16। इसके बाद हमारा ये हमने यहाँ पुराना कपड़ा यूज़ कर लिया है, पुरानी चादर का पीस है। ये थोड़ा मोटा होता है, ये हैंडल में हम अंदर की तरफ यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी मोटा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी, इसमें बस स्ट्रांग होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। हमने यहाँ पे पुराना 26x2.5 इंच का ये भी है हमारा कपड़ा। अब बनाना शुरू करते हैं। तो 9x14 इंच का जो पीस है उसको हमने ले लिया है और साथ में रबर शीट्स दी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो एक ये फैब्रिक है इसे अलग कर लिया है। हम ऊपर से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमने 2 इंच पे ऊपर से मार्क कर लिया और इस पीस को यहाँ से सीधी लाइन खींच के कट कर देंगे। हम यहाँ पे चेन बीच में इंस्टॉल करने वाले हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया हुआ है। तो ये हो गया। इसके बाद हम इसको कट कर देंगे, दोनों पीस को अलग कर लेंगे। ये हमने पीस को अलग कर लिया। अब हम यहाँ पर अस्तर और यानी रबर शीट और इस पीस को जोड़ेंगे। तो ये जो रबर शीट हमारी जो थी एक, उसको लेकर इस कपड़े के साथ इस तरह रखेंगे टोटल और यहाँ पे सिलाई कर देंगे। ये देखिए सिलाई कर दी। अब इसको इस तरह से पलटेंगे, पलटेंगे इस तरह से कि कपड़ा थोड़ा सा यहाँ पे पाइपिंग की तरह से रह जाए। और अभी हम यहाँ पे दाब सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें चेन जोड़नी है, तब हो जाएगी। तो दाब सिलाई नहीं कर रहे हैं। बाकी इसमें तीनों तरफ हम सीरीज ही सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से पाइपिंग हमें रख कर ही करना है और फिर इसकी तीनों तरफ सिलाई कर देनी है यहाँ पर। इसको जो बचा हुआ पीस है उसको भी हम कट करके अलग कर दे रहे हैं तीनों तरफ सिलाई करने के लिए। बाद इसके बाद यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और फिर जो एक छोटा पीस बचा है इसको भी इस अस्तर के साथ ऐसे जोड़कर सिलेंगे और फिर पलटेंगे। जैसे यहाँ पाइपिंग छोड़ी थी वैसे ही इसमें भी पाइपिंग छोड़ देंगे। और फिर इस ये देखिए हमने हर पीस को इस तरह से सिल लिया है, पाइपिंग छोड़ी है और हमने पूरा हर तरफ से सिलाई कर ली है। तो ये दो पीस हमारे रेडी हो गए। अब एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। उससे पहले यहाँ पे कपड़े में ऊपर के छोटे पीस पे 1 इंच की यूँ मार्क करी है। दोनों पीस को एक साथ सटा के रखा है इस तरह से और फिर ये जो 1 इंच का मार्क था उस मार्क से नीचे तक ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेनी है इधर और एक सीधी लाइन इधर खींच लेनी है और फिर उसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए यूँ इस तरह से देखिए मिला के एकदम रखा है हमने और यूँ एकदम सीधी लाइन खींच दी है इस तरह से। फोम शीट थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखते हैं कि बाद में हमें सिलते में दिक्कत ना आए, तो आप भी इसी तरह ही रखिएगा। अब एक्स्ट्रा फोम शीट्स भी कट जाएंगी और उसके बाद ये यहाँ पे ये जो पीस है इसको भी ऐसे काट के हटा देंगे। ये हो गया, इधर से भी कट कर देंगे।
ये एक्स्ट्रा फोम शीट भी हटा दे रहे हैं हम, ये ऐसे इस तरह से हो गया। अब हम बीच में लगा लेंगे चेन, तो चेन को ऐसे रखना है, इसमें रनर पड़ा हुआ है और उसके यहाँ पर सिलाई पास से कर देनी है। हम यहाँ पे चेन फुट यूज़ करेंगे, तो ये देखिए हमने यहाँ चेन लगा ली है आराम से, दोनों तरफ से बड़ी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब एक्स्ट्रा चेन को भी हम कट कर देंगे, ये हो गई। अब हम यहाँ अस्तर लगाएंगे, तो अस्तर लगाने के लिए जो हमारा पीस 12x9 इंच का था उसे हमने इस तरह से रखा है चेन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक सिलाई दे लेंगे जिससे कि ये अस्तर इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक सिलाई देना है, ये देखिए चेन के साथ ही यहाँ पे सिलना है, ये सिल गया, ये देखिए यहाँ चेन के साथ ही सिला है। अब इसको अस्तर को इस तरह से करके ऊपर की तरफ चेन के साथ ही यहाँ पर एक और सिलाई देंगे। देखिए चेन जहाँ तक पहुँचती है पीछे उसकी के पास में एक कपड़ा रख के यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई दे लेंगे, यूँ तो दो सिलाई लग जाएंगी यहाँ पे, एक हमने चेन को मेन कपड़े में जोड़ा और एक ये अस्तर जोड़ा जब, तो यहाँ सिल देंगे, ये सिल दिया हमने। अब अस्तर को इधर नीचे की तरफ ऐसे करके एक्स्ट्रा अस्तर हम कट कर देंगे और यहाँ पे से सिलाई दे लेंगे, ये दोनों तरफ पे सिल लेंगे, दोनों तरफ सिल दिया और हमने एक्स्ट्रा अस्तर कट कर दिया। ऐसे दो पीस हमने रेडी कर लिए। अब जो मेन फैब्रिक था उसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे, ये हमने चारों तरफ सिल लिया है और इसमें भी हम एक इंच का एक साइड से ऊपर की तरफ जो रखना है उसमें मार्क करेंगे और इसको भी हम तिरछा ऐसे निशान लगा लेंगे। ये जो मेन कपड़ा है इसमें थोड़ा सा हमारा शीशे चिपके हुए हैं, तो हम जहाँ जहाँ कटिंग करेंगे या जहाँ जहाँ हमने सिलाई है मतलब मशीन चलाना है वहाँ वहाँ से हम ये कांच को निकाल देंगे, यानी शीशे को निकाल देंगे जिससे सिलते में हमारे कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए हमने एक इंच की इधर भी छाट दे लिया, अब इधर भी हम सिलाई कर लेंगे यहाँ करीब से चारों ओर, उसके बाद इस पीस को इस पे ऐसे रख के सिल देंगे, यानी अब हमारे ये दो पीस साथ साथ सिल जाएंगे, ये हो गया इस तरह से। अब दूसरा पीस भी इसके ऊपर जेब वाला इधर रख के सिल देंगे, ये तीन पीस एक साथ हो गया। अब ये जो चौथा पीस हमने मेन फैब्रिक का सेम तरह से बनाया था जैसे एक का बनाया था वैसे ही, उसको भी इस तरह से सिल लेंगे बीचों बीच में। तो ये देखिए हमारा बाहर का पूरा हिस्सा तैयार हो गया है। अब अंदर हमें लगानी है जेब, तो अंदर जेब कैसे लगानी है वो देखिए, हमने बीच का पॉइंट इसमें ऊपर से लगभग 4 इंच नीचे एक बीच का पॉइंट निकाल दिया है। इस बीच के पॉइंट से दोनों ओर 3.5-3 इंच पर एक लाइन खींच ली है, ये हमारी लाइन आप ये देखिए, ये यहाँ पर 3.5 इंच पे हमने एक मार्क किया हुआ है बीच के पॉइंट से, इधर भी 3.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। और फिर हमें यहाँ पर चेन को इस तरह से इंस्टॉल करना है, तो बीच में जो लाइन है इसके आधा आधा इंच दोनों तरफ हम ये देखिए बीच की जो लाइन है उसके आधा इंच इधर एक लाइन खींच ली, आधा इंच इधर एक लाइन खींच ली, ये इस तरह से एक बॉक्स जैसा बन जाएगा, ये देखिए। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके हम कट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे कट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा कट लिया, उसके बाद जो हमने लाइन खींची है इसी लाइन पे यूं किया कट दोनों एंड में। याद रखिए कि हमारी जो चेन है वो 6 इंच की है, तो हमारी ये जो कटिंग है ये इससे छोटी होनी चाहिए, और दोनों तरफ हमें इस तरह से वी नॉच भी दे लेनी है, ये देखिए। अब हमें दोनों तरफ क्या चारों तरफ इस तरह से हल्का हल्का मोड़ कर सिलाई कर लेनी है थोड़ा दूर से, ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे विंडो बना लेनी है, क्योंकि हम विंडो पॉकेट बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें चारों ओर से सिलाई दे लेनी है अस्तर में, एक तो वी ऊपर यहाँ कोने में वी जैसा कटा है उसे पीछे करके, ये देखिए सिल लिया है हमने, पीछे से भी दिखाएंगे हम। तो इस तरह से अब इस जगह पर हमें चेन रखनी है ये इसी विंडो के नीचे, और यहाँ पर एकदम करीब से, अभी हमने जो सिलाई करी है इसको मोड़ते हुए वो थोड़ी दूर से की है, अब एकदम पास से चेन को जोड़ देंगे। देखिए पीछे से भी बड़ी सुंदर सी फिनिशिंग आई है। अब जो अस्तर छोटा वाला हमने लिया था उसको इसके नीचे रखेंगे चेन के पास में से यूँ एक सिलाई, और चारों ओर से सिलाई दे लेंगे जिससे ये हमारी पॉकेट रेडी। ये देखिए ये हमारा आगे पीछे का लुक कितना फाइन आया है। तो इस तरह से हमारा ये अस्तर तैयार हो गया। अब ये जो हमने बैग आगे का बनाया था इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और लगभग सिलाई की थोड़ी सी मार्जिन देते हुए पूरे में ऐसे मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली, अब हम इसे कट कर लेंगे।
कट करने के साथ साथ इस जो बाहर का हिस्सा, इसे भी हम नीचे से सिल लेंगे पूरा ये बाहर का हिस्सा, क्योंकि नीचे से खुला है। और एक साइड नीचे की तरफ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इधर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक ब्लॉक बना लेंगे दोनों तरफ, दोनों कोनों पे ऐसे ही करेंगे हम। 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, 1.25 एक तरफ से रखा है और एक तरफ से 2 इंच रखा है, और इन ब्लॉक को कट कर देंगे और नीचे से सिल लेंगे। इसी तरह इसे साइड से सिल लेंगे जो इनर वाला है। तो ये इस तरह से रेडी हो गया। अब इसको इस तरह से फैला के इधर सिल लेंगे हमारे कोनों को भी। ये नीचे से सिल दिया और अस्तर को भी हमने साइडों से सिल दिया था। अस्तर को क्या करना है, इस तरह से कोने को फोल्ड करना है और 2 इंच इधर से नापते हुए एक लाइन खींच लेनी है और उस पर भी सिलना है। 2 इंच पे मार्क कर लेंगे हम, सीधी यहाँ लाइन खींचनी है यूँ, और इस पर सिलाई करनी है। इस कोने पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 इंच पे यूँ मार्क करेंगे और एक सीधी सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। ये अस्तर भी इसलिए रेडी हो जाएगी। देखिए कोने सिल दिए हमने, तो ये ऐसा रेडी हो गया। अब इस अस्तर को, ये बैग हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब हम एक बना लेते हैं हैंडल। तो ये जो हमने कपड़ा लिया था पट्टी, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, अंदर सीधा तरफ है और ऊपर बाहर की तरफ। उसके ऊपर हमने रखा ये अपनी मोटे कपड़े का पट्टी, और इसे सिलेंगे कैसे वो देखिए। यहाँ से कस के पक्की सिलाई देंगे और फिर पट्टी को हटा के यहाँ नीचे तक एक सीधी सिलाई खुला ऐसा जोड़ते हुए सिल देंगे, पहले पक्की सिलाई फिर सीधा। तो ये इस तरह से ही हमने पक्की सिलाई और इस तरह से कर दिया है। अब किसी पेन वगैरह की मदद से इसको इस तरह अंदर की तरफ पलट देंगे, क्योंकि इसीलिए हमने सीधा हिस्सा अंदर को रखा था। तो इसको पलट देंगे तो ये मोटा कपड़ा अंदर चला जाएगा और हमारी ये हैंगर यानी हैंडल रेडी हो जाएंगे। 2 ऐसे हैंडल हमें रेडी कर लेना है। मोटा कपड़ा डालेंगे तो थोड़ा सा कड़ा भी रहेगा और मजबूती भी रहेगी। तो ये दोनों हैंडल हमारे रेडी हो गए। अब इन हैंडल्स को हमें जो मेन बाहर वाला इसके लाइनें हैं दोनों तरफ, वो सिल लेंगे दोनों तरफ क्या चारों तरफ सिल देंगे, जिससे ये पूरा अपनी पोजीशन ले लेगा। तो ये हमारा इस तरह से दूसरा हैंडल भी रेडी कर लेंगे। ये 2 हैंडल हमारे रेडी हो गए हैं। अब जो हमारा मेन बाहर का हिस्सा था, उसमें जहाँ पर ये हमारा बीच का कपड़ा और ये कोने का कपड़ा आपस में जुड़े हैं, उस जगह पे इसे रख के पिन से अटैच कर देंगे। दोनों ही तरफ हमें इसी तरह करना है। अब इसको सीधा कर लेंगे अपने बाहर के पीस को। ये देखिए हमने यहाँ सिल लिया है इन हैंडल्स को अपनी प्रॉपर जगह पे, जिससे ये इधर उधर ना हो। ये देखिए ये दोनों हैंडल भी लग गए हैं हमारे यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर ये जो अस्तर का कपड़ा है, ये देखिए चेन अंदर की ओर दिख रही है, उसे जिस तरह से वो बैग में होता है उसी तरह करते हुए इसे अंदर डाल देंगे। ये देखिए, और फिर चारों ओर से सिल देंगे, यानी हमारा बाहर और अंदर का हिस्सा जुड़ जाएगा। अब हम इसमें चेन लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने चेन ली है ये 16 इंच की, और जो हमारा 19 इंच बाई 2.5 इंच का कपड़ा था वो हमने थोड़ा कट कर दिया 16 का, वो भी कर दिया, और उसके पीछे हमने रखी चेन इस तरह, यानी सीधे कपड़े पे उल्टी चेन रखी और फिर उसके ऊपर अस्तर, और इसे इस तरह से सिल दिया। यहाँ पे अब हम दाब सिलाई दे लेंगे तो ये एक तरफ से चेन जुड़ जाएगी। अब दूसरी तरफ से यही हिस्सा जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए फिर एक कपड़ा लिया हमने, उसके ऊपर हमने उल्टी चेन रखी। ये ध्यान रखिएगा, कपड़ा लिया, कपड़े पे रखी उल्टी चेन और उसके ऊपर हमने फिर से रखा अस्तर और एक सीधी सिलाई दे ली। एक पिछली साइड में भी हमने यही किया था और इस साइड में भी यही करेंगे। अब हम दोनों तरफ सिल के दाब सिलाई दे ली, तो ये बहुत ही फाइन सा कपड़ा है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से सिलाई कर देंगे। तो ये दोनों तरफ से सिल दिया है तो ये इस तरह से आएगा। अब इसे चेन खोल दी तो ये एक ऐसा गोल पट्टी जैसा बन जाएगा। अब जो बैग सिल के रेडी किया है उस पर इसे उल्टा चेन, देखिए नीचे की तरफ, इस बैग को ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से रख के अटैच कर देना है। तो इसको पिन की मदद से हम फिट कर लेंगे, जिससे ये दोनों लाल कपड़े एक दूसरे के एक साथ रहें, और इस तरह से सिल लेंगे चारों गोलाई में। फिर इसे पलट के जब हम सीधा करेंगे तो बैग एकदम लगभग रेडी है। अब बस ऊपर की तरफ हमें देनी है दाब सिलाई। तो हैंडल को इस तरह ऊपर करके यहाँ जो पट्टी हमने ऊपर चेन के लिए लगाई है उसको दबाते हुए इस तरह से दाब सिलाई दे लेंगे पूरा चारों ओर से, तो ये बैग रेडी हो जाएगा। आइए फाइनल लुक देखते हैं कि ये दाब सिलाई के बाद कैसा बनेगा। ये देखिए दाब सिलाई दे ली है तो यहाँ दोनों चेन रेडी हैं, हमारा ये बैग रेडी है। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।